हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि एनिमल बायोलॉजी 2020 के पीवाईक्यू को हम लेके आने वाले हैं, तो चलिए आज से एनिमल बायोलॉजी 2020 का पीवाईक्यू हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी तक 1 से लेकर 10 तक का वीडियो एक पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियोज हम शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आप इसमें से किस टेक्निक के द्वारा डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मेजरिंग द ऑब्जर्वेंस एट द, ये एट लिखा हुआ है सॉरी, एट अ 600 नैनोमीटर। देखिए मेजर में जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वन ऑब्जर्व ऑब्जर्वेंस होती है, वह नंबर ऑफ बैक्टीरिया कि इंक्रीज और डिक्रीज होने पे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, क्योंकि बिल लैम्बर्ट लॉ के हिसाब से जो आपका ऑब्जर्वेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशियंट और कंसंट्रेशन और लेंथ के, जो कि लेंथ आपका कांस्टेंट होता है और यह भी कांस्टेंट है, मींस ऑब्जर्वेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करते हैं तो ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑब्जर्वेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इसका यूज करके डेफिनेटली बैक्टीरिया के नंबर ऑफ बैक्टीरिया पता लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है क्वांटिटेटिव RT-PCR, रियल टाइम PCR से हम क्वांटिफिकेशन करते हैं, और क्वांटिफिकेशन का मतलब ही होता है कि नंबर्स को पता लगाना। तो डेफिनेटली हम इसका यूज़ करके भी बैक्टीरिया के नंबर को पता लगा सकते हैं। और CFU, जिसे हम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट कहते हैं, इसका यूज़ ही किया जाता है बैक्टीरिया के कल्चर, बैक्टीरिया के नंबर का पता लगाने के लिए। तो ये तीनों तो इसका आंसर हो नहीं सकता, और ये तीनों अगर आंसर नहीं होता है तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके अंदर हम सेपरेट करते हैं, क्या सेपरेट करते हैं देखो, सेपरेट प्रोटीन, सेपरेट प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज एंड एंड ऑफ देयर साइज। तो अब यहां पे समझने की कोशिश करो कि बैक्टीरिया के मॉलिक्यूल में क्या बैक्टीरिया डिवाइड होके नया बैक्टीरिया बनाएगा, तो क्या अपने मॉलिक्यूल में वो अपने बॉडी में क्या कोई चार्ज डेवलप करेगा? नहीं करेगा ना। जब चार्ज ही डेवलप नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होगा? या अगर उनका मॉलिक्यूल ऐसा तो नहीं है कि बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट होके बैक्टीरिया बनाएगी, तो वो अब डिफरेंट डिफरेंट साइज की बैक्टीरिया बना रही होगी? नहीं बना रही होगी ना, तो साइज भी उसका आइडेंटिकल ही होगा, बिकॉज बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन प्रोड्यूस होता है, क्लोन एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। तो ना ही साइज का डिफरेंस है ना ही चार्ज का डिफरेंस है, और जब चार्ज और साइज का डिफरेंस होता है देन वी विल यूज द 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस या 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम इसका यूज नहीं करेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। चलिए दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज टू स्टडी द चेंज इन प्रोटीन कन्फॉर्मेशन। प्रोटीन कन्फॉर्मेशन के लिए हम कौन सा यूज नहीं करते हैं? अब हम बात करते हैं सर्कुलर डाइक्रिज। ये जो होता है यह एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, जो कि बेस्ड होता है बेस्ड ऑन द
डिफरेंशियल ऑब्जॉर्प्शन, डिफरेंशियल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट सर्कुलरली पोलेराइज लाइट, मतलब सर्कुलर और मतलब लेफ्ट और राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट के ऑब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पाया जाता है और उसके बेस पे आपका सर्कुलर डायक्रिज्म का रिजल्ट आता है, और ये जो आपका रिजल्ट होता है इसका यूज़ हम करते हैं, और यह टेक्निक यूज़ होता है कन्फर्मेशन बताने के लिए, क्योंकि लेफ्ट कंडीशन और राइट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ऑब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा, मतलब हम प्रोटीन की कन्फर्मेशन को पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन में हमारा अल्फा हेलिक्स है कि बीटा सीट है कि रेंडम कॉइल है। चलिए हम एक ग्राफ आपको यहाँ पे दे देते हैं जो कि इस बार बार्क में भी पूछा गया था। तीन ग्राफ इस तरह से आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। एक ग्राफ है इस तरह से, दूसरा जो होता है वो होता है इस तरह से, और तीसरा जो है वो होता है आपका यहाँ से शुरू होगा और इस तरह से। तो जो ये वाली है दैट इज अ अल्फा हेलिक्स, ये जो है दैट इज अ बीटा सीट, और ये आपका रेंडम कॉइल है। क्या है आपका? रेंडम कॉइल है। तो सर्कुलर डायोक्रिज्म हम इस तरह से यूज करते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है यहाँ पे पल्स एक्सचेंज 2D NMR, पल्स एक्सचेंज 2D NMR। ये जो होता है इसका यूज ही किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पता लगाने के लिए, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दी प्रोटीन। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए हम पल्स एक्सचेंज 2D NMR यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रिट, FRIT, IT नहीं है, FRET है, FRET है, जिसका पूरा नाम है फ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, फ्लोरेसेंस रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, और इसका भी यूज हम करते हैं टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बट qPCR का हम यूज करते हैं, qPCR का पूरा नाम होता है क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम डीएनए के क्वांटिफाइड करते हैं। उसमें क्या होता है, जो डीएनए को जब हम पीसीआर के लिए रन करते हैं तो साथ में हम क्वांटिफाई करते रहते हैं रियल टाइम में, तो डेट इज ऑल्सो कॉल्ड द रियल टाइम पीसीआर या qPCR क्वांटिटेटिव पीसीआर। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम प्रोटीन की कन्फर्मेशन का पता नहीं लगाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुका हूँ, या ये कह दो कि बाद में ये यहाँ से रिपीट हुआ था। यहाँ पे है लाइसिन, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दे रखा पी के वैल्यू 10.5 है, पी के वैल्यू कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 2 और 9 है, तो पी आई बताना। मैंने एक आपको ट्रिक बताया था कि पी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दो ग्रेटर नंबर है या ये कह दो कि दो जो नियरेस्ट नंबर्स होते हैं उनका हम हाफ कर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10.5 प्लस 9 को ऐड करेंगे 1/2 इंटू 19.5 इंटू ये हो जाएगा 2 से 2,
नाइन ज़ा 18 प्लस 1, 2 सेवन ज़ा 14 प्लस 1 तो 5, 2 फाइव ज़ा 10, तो हो जाएगा पा 9.75। तो इसी को हम बोलेंगे 9.8। तो करेक्ट आंसर इज 9.8। ये बहुत बार रिपीट हुआ है और ये हमने बहुत बार आपको बताया भी है। चलिए हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द मैथड बाई विच रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन ऑन द ग्लोबल स्केल। यह भी क्वेश्चन मैंने पहले ही बता रखा है, एक PYQ में मैंने इसको डिस्कस कर रखा है कि इसका आंसर है ग्रो सिक्वेंसेस, ये GRO ग्रो सिक्वेंसेस, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल ट्रांसक्रिप्शन रेट। इसका पूरा नाम क्या है? ग्लोबल ट्रांसक्रिप्शन रेट। ग्लोबल ट्रांसक्रिप्शन रेट जो होता है इसका काम क्या होता है, यह जो है आपका ट्रांसक्रिप्शन एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितना हुआ है उसका पता लगाता है, और बाकी इसका काम हम इसका यूज़ करते हैं या ये करता है मैप्स द बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट को पता लगाने का काम भी यही करता है ग्लोबल ट्रांसक्रिप्शन रेट या ग्रो सिक्वेंसेस। ग्लोबल ट्रांसक्रिप्शन रेट पता लगाने के लिए भी हम यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि बाइंडिंग साइट, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट का पता लगाने के लिए भी हम ग्रो सिक्वेंस यूज करते हैं। जो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज द आरएनए सिक्वेंसिंग, यहाँ पे हम आरएनए सिक्वेंसिंग करते हैं, मतलब हम ट्रांसक्रिप्ट का पता लगाते हैं। यह एक ऐसी टेक्निक है जो कि नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग के नाम से भी जाने जाती है, और यह क्वांटिफाई करता है आरएनए का किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल में। क्लिप सिक्वेंसिंग, CLIP क्लिप सिक्वेंसिंग जो होती है इसे हम HITS हिट्स क्लिप बोलते हैं। देखो क्लिप सिक्वेंसिंग जो है इसको हम नोट कर लो, क्लिप सिक्वेंसिंग को हम HITS हिट्स क्लिप CLIP बोलते हैं, और यह जो यूज होता है हमारा आरएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन के इंटरेक्शन को पता लगाने के लिए, यूज फॉर फाइंडिंग विच आरएनए स्पीसीज इंटरेक्ट विद अ पर्टिकुलर आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन या आरएनए। तो आरएनए और आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन के बीच के इंटरेक्शन को पता लगाने के लिए हम क्लिप सिक्वेंसिंग यूज करते हैं। इसका दूसरा काम एक और है, ये यूज होता है क्रॉस लिंकिंग का पता लगाने के लिए आरएनए और प्रोटीन का। इम्यूनो प्रेसिपिटेशन करते हैं, जिससे मतलब क्या होता है कि यह हम क्रॉस लिंकिंग पता लगाते हैं। इट इम्प्लाइज द क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द आरएनए और प्रोटीन फॉलोड बाय द इम्यूनो प्रेसिपिटेशन विद द एंटीबॉडी फॉर द प्रोटीन। अगला है आपका CAP कैप सिक्वेंसिंग, कैम नहीं होता है, CAP कैप सिक्वेंसिंग। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है इसलिए ये कुछ मतलब गलती आपको दिख रही है, बट हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं इसको टाइप ना करके मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया था। कैप सिक्वेंसिंग और
कैप सिक्वेंसिंग जो होता है, इसका यूज ही इस टर्म में दिया हुआ है, सी ए पी कैप, मतलब यह फाइव प्राइम इंड ऑफ आरएनए, फाइव प्राइम इंड ऑफ आरएनए जो होता है उसका पता लगाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का हम पता लगाते हैं, क्योंकि फाइव प्राइम के पास से ही हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का पता लगाते हैं कैप सिक्वेंसिंग से, सी ए पी सिक्वेंसिंग से। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, द रीजन इज दैट क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत जगह डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक कि जो मैंने बेट के लिए सीरीज निकाला था उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज टू नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग सिक्वेंस अलाइनमेंट अगेंस्ट द रेफरेंस जीनोम, रेफरेंस जीनोम के लिए कौन सा हम टूल यूज़ करते हैं। इसका आंसर सबसे पहला है बी डब्ल्यू ए। बी डब्ल्यू ए जो है इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूअर्स ब्यूरोस वेलर, एल ई आर वेलर, एल आई एलाइज एलाइनर अलाइनर ए एल आई जी एच अलाइनर। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि लो डाइवर्स सीक्वेंस को हम पता लगाते हैं, मतलब यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मैपिंग करते हैं लो डाइवर्जेंट सीक्वेंस को लार्ज रेफरेंस जीनोम से। इसमें क्या यूज करते हैं, हम लो डाइवर्जेंट सीक्वेंस यूज करते हैं और लार्ज रेफरेंस जीनोम होता है। क्लस्टर डब्ल्यू जो है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की टूल है, ब्लास्ट बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है, और फाइलिप जो है आपका फाइलोजेनी इन्फेरेंस पैकेज होता है। तो बाकी भी चीज़ें हम ऑलरेडी देखो, बायोइनफॉर्मेटिक्स की वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बुलेट पॉइंट के रूप में, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे बायोटेक पूछा जाने वाला है, वहाँ के लिए आपका वो जो पैक वो पूरा सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। गो एंड वॉच दिस वीडियोज़, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पॉइंटर के नाम से पड़ा हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।